आज भारत बंद है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही वाम दल, ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों के खिलाफ, इसी का नतीजा है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और दावा यह किया जा रहा है कि इस बंद में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। पहले CAA और NRC पर हंगामा, कहीं प्रदर्शन तो कहीं तोड़फोड़, कई शहरों में भारी नुकसान हुआ और अभी CAA पर हंगामे पर हो रही सियासत थमी भी नहीं कि एक और भारत बंद का आह्वान हो गया। विपक्षी पार्टियों के साथ ही वामदल, ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों के खिलाफ है। इसी का नतीजा है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और दावा किया जा रहा है कि इस बंद में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। यूनियनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में बैंकिंग, कोयला, तेल, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के कर्मचारी हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर मांगे क्या है। मिनिमम वेज को 21,000 रुपये करने की मांग, सभी के लिए उच्च बेसिक पेंशन, श्रम सुधार पर त्रिपक्षीय चर्चा, लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के निजीकरण पर सरकार के फैसलों को वापस लेना शामिल है। अब अगर बात करें इसमें होने वाले नुकसान की, तो बैंक कर्मचारी और अधिकारियों के बैंक हड़ताल में शामिल होने से बैंकिंग सेवाओं पर काफी असर पड़ सकता है। बैंकों की कई शाखाएं बंद रह सकती हैं, ATM सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन नेट बैंकिंग सामान्य रूप से कार्य करने की संभावना है। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर गोलबंदी की जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। एक दिन की हड़ताल का मतलब क्या होता है? क्या कोई इसे समझेगा या समझाने की कोशिश करेगा? हाल ही में देश में हुए प्रदर्शनों में काफी नुकसान हो चुका है, तो एक बार फिर भारत बंद का ऐलान भी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।